शुरू करते हैं बेटा टॉपिक। तो शुरू करेंगे बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ऑब्वियसली दो तरह से ग्रुप होते हैं बेटा कैपेसिटर, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज ग्रुपिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग। सिंपल समझिए बेटा, कैपेसिटर के अंदर दो तरह की प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट इंसुलेटेड होगी, नेगेटिव प्लेट कनेक्टेड विद अर्थ होगी। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, अगर कैपेसिटर की प्लेटों को इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव से कनेक्ट हो, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट हो, मतलब कहने का प्लेटें अल्टरनेटली कनेक्टेड हो, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लो बेटा, उसके बाद में फिर इसकी सारी प्रोसेस कराएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन करेंगे यहां पर। सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हेनेवर अ कैपेसिटर्स, व्हेनेवर कैपेसिटर आर कनेक्टेड सच दैट, इस तरह से कनेक्टेड हो, देयर प्लेट्स आर अल्टरनेट, देयर प्लेट आर अल्टरनेट टू ईच अदर। इनकी प्लेटें कैसी कनेक्टेड हो, अल्टरनेट टू ईच अदर, अल्टरनेट टू ईच अदर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो सच कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं बेटा। एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर नेगेटिव के साथ फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ये प्लेटें कनेक्टेड हैं विद एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स लगाना जरूरी है, वरना हायर वोल्टेज के कहां से मिलेगा। एक्सटर्नल सोर्स के साथ पॉजिटिव नेगेटिव प्लेटें कनेक्टेड हैं। मान लीजिए इन प्लेटों का कैपेसिटेंस है C1, C2, C3। आप बैटरी नहीं भी लगाएंगे तो भी कैपेसिटेंस C1, C2, C3 ही रहेगा, बैटरी पर डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है शेप पर कैपेसिटर की, प्लेटों के सेपरेशन पर, मीडियम बिटवीन द प्लेट कितना है, ठीक है, कौन सा है। फिलहाल वैक्यूम भरा हुआ है, तो C1, C2, C3 चार्ज यहां से चलता है बेटा। चार्ज जब चलेगा इसे चार्ज करने के लिए एक ही रास्ता है चार्ज के पास, तीनों में चार्ज की वैल्यू सेम होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन की एक सबसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है बेटा, चार्ज तीनों कैपेसिटर में कैसा होता है, सेम होता है। तीनों कैपेसिटर में सेम चार्ज है। ऑल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द चार्ज इन ऑल द कैपेसिटर, ऑल कैपेसिटर इज सेम, सभी कैपेसिटर में चार्ज सेम होता है बेटा। और पोटेंशियल कैसा होता है बेटा, पोटेंशियल अगर कैपेसिटेंस अलग अलग हैं तो पोटेंशियल अलग अलग होगा, अगर कैपेसिटेंस सेम है तो पोटेंशियल सेम भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग होंगे तो अलग अलग होगा। टोटल यहां पर कितना होगा, V1 V2 V3, टोटल पोटेंशियल जो होगा बेटा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। तीनों पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा, यहां पोटेंशियल ड्रॉप, फिर यहां ड्रॉप, फिर यहां ड्रॉप, वो टोटल V के बराबर आएगा बेटा, ठीक है। तो V को हम क्या लिख लेंगे, V1 को Q upon C1, Q upon C2, Q upon C3, और V क्या होगा बेटा हमारा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, C1 upon CS, 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3। सीरीज में कैपेसिटेंस रिवर्स करके ऐड होते हैं बेटा, 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3 में ऐड होंगे बेटा, ठीक है, इस तरह से ऐड होते हैं।
कॉम्बिनेशन। क्या होता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन? कैपेसिटर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि जो प्लेटें हैं वो सेम पोलैरिटी में कनेक्ट हो, मतलब पॉजिटिव 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 प्लेटें एक साथ, नेगेटिव 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 प्लेटें एक साथ। सीरीज में क्या किया था बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेट टू ईच अदर। यहां साइमल्टेनियसली कनेक्ट करेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल द पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड टूगेदर एंड ऑल नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड टूगेदर। सारी पॉजिटिव प्लेट एक साथ, सारी नेगेटिव प्लेट एक साथ, इस तरह से कनेक्ट करेंगे बेटा। सारी पॉजिटिव प्लेटें एक साथ, सारी नेगेटिव प्लेटें एक साथ, इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं बेटा? इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। प्लेटें एक साथ कनेक्टेड होंगी, सारी पॉजिटिव एक साथ, सारी नेगेटिव एक साथ। पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा कि पोटेंशियल सभी प्लेटों पर सेम होता है और चार्ज सभी प्लेटों का अलग अलग होगा बेटा। ये पॉजिटिव 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 सारी एक पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव 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 टर्मिनल से, C1 C2 C3 पोटेंशियल सब पर सेम है, चार्ज सबके लिए अलग अलग है। Q1 Q2 Q3 तीन रास्ते हो गए चार्ज के, तीन रास्ते हो गए बेटा Q1 Q2 Q3 यहां लिख लेंगे इन सीरीज, नहीं पैरेलल चल रहा है हमारा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द चार्ज द पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, द पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम बट इट हैव डिफरेंट चार्ज ड्यू टू डिफरेंट कैपेसिटी। कैपेसिटी अलग होने पर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज होगा, टोटल चार्ज Q1 Q2 Q3 तीनों के सम के बराबर आएगा बेटा। Q1 को लिखेंगे C1V C2V C3V CV V सबके कैंसिल हो जाएंगे और C पैरेलल इज इक्वल टू आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल में कॉम्बिनेशन C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। ये बैटरी है 10 वोल्ट की, ये बैटरी है 10 वोल्ट की, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है। अगर आप नेगेटिव बैटरी को 5 वोल्ट मान ले तो पॉजिटिव बैटरी को 15 वोल्ट मानना पड़ेगा, डिफरेंस 10 वोल्ट होगा। अगर आप नेगेटिव बैटरी को -5 वोल्ट मान ले तो पॉजिटिव बैटरी को +5 वोल्ट मानना पड़ेगा, डिफरेंस 10 होगा। कन्वीनियंसी के लिए हम नेगेटिव बैटरी को 0 वोल्टेज मान लेते हैं तो पॉजिटिव बैटरी कितनी हो गई? 10 वोल्ट हो गई। ये बात समझ में आ गई? अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो डिफरेंस 10 होना चाहिए, ये मतलब होता है इसका। अब मान लो यहां पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, यहां पोटेंशियल है 0 वोल्ट। आपने किसी कैपेसिटर की प्लेट को कनेक्ट कर दिया इससे, ये वाली प्लेट कितने वोल्टेज पर आ गई? 10 वोल्ट पर।
10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, और ये प्लेट कितने वोल्टेज पर है? 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। एक और प्लेट लगा दी यहां पर, अब ये वाली प्लेट भी तो इसी 10 वोल्ट से कनेक्टेड है। हाँ हाँ हाँ, यहां भी पोटेंशियल आ गया 10 वोल्ट, और इस प्लेट पर कितना आ गया बेटा? 0 वोल्ट। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। तो इन दोनों पर भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, इस पर भी 10 वोल्ट, तो पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है, और वही होता है जो बैटरी का होगा, जो बैटरी का होगा, ठीक है? और सर चार्ज पैरेलल में पोटेंशियल है जी, चार्ज चार्ज का ही बता दो ऐसे। चार्ज अब देखो देखो, चार्ज यहां से जाएगा Q1, यहां से जाएगा Q2। चार्ज की वैल्यू होती है Q इज इक्वल टू C इंटू V। V तो दोनों का सेम है, लेकिन C तो दोनों का सेम नहीं है। कैपेसिटेंस तो दोनों का अलग अलग है ना बेटा, तो कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो जिसकी ज्यादा कैपेसिटी वो ज्यादा चार्ज लेगा, जिसकी कम कैपेसिटी वो कम चार्ज लेगा। कैपेसिटी अलग अलग होने से चार्ज अलग अलग आएगा। अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो पैरेलल में चार्ज अलग अलग जाएगा, पोटेंशियल सेम होगा। ओके सर, समझ गया। ठीक है, और सीरीज में क्या हुआ था बेटा? सीरीज में एक्चुअली दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। बैटरी से चार्ज चला, अब चलकर यहां जाएगा तो कितना चार्ज जाएगा इसमें? क्यू। इसमें कितना जाएगा? क्यू। इसमें कितना जाएगा? क्यू। कैपेसिटी से मतलब ही नहीं है कुछ, चार्ज एक ही रास्ते पर चलेगा। पैरेलल में तीन रास्ते हो गए, अलग अलग चला गया। हाँ, और यहाँ पोटेंशियल अलग 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 वैल्यूज चली गई पैरेलल में, और एक ही चार्ज से अलग अलग पैरेलल में चार्ज की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं बेटा, अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, कैसे न्यूमेरिकल इस पर बनेंगे। बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल बनेंगे, हमारी आज की क्लास भी लगेगी, और अगली क्लास में भी हम थोड़ा सा पैरेलल की ही बात करेंगे, सीरीज पैरेलल की। आज कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल के क्वेश्चन करते हैं, और एक एक स्टेप से मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं बेटा। आप सोचिए, पहले सीरीज में कैपेसिटर लगे हुए हैं, दो कैपेसिटर मान लो, सी और सी। नेट कैपेसिटी कितनी हो गई जरा मुझे बताओ, नेट कैपेसिटी कितनी हो गई जरा आंसर बताइए बेटा, कितना आएगा? C upon C, 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 C upon C
अरे हाँ बोलो या ना बोलो, ठीक है yes, sir. आगे बेटा, ठीक है, इतने सारे बच्चे हैं, बोला करो बेटा, बोलने से, बोलने से क्या होता है, बोलने से पता चलता है आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ठीक है. जब स्कूल में आप बैठे रहते हैं तो टीचर आपको कहते हैं चुप बैठो चुप बैठो, वहां आप चुप नहीं बैठोगे, और यहाँ ऑनलाइन में कहते हैं बोलो बोलो, आप बोलते नहीं हो. चलो कोई बात नहीं, अगर यहाँ तीन कैपेसिटर होते तो आंसर कितना आता बेटा, जरा मुझे बताओ. सी बाय थ्री. तीन कैपेसिटर होते सी बाय थ्री आता, अगर चार कैपेसिटर होते तो कितना आता, सी बाय फोर. सी बाय फोर. अगर दस कैपेसिटर पैरेलल सीरीज में होते तो आंसर कितना आता, सी बाय टेन. भाई सिंपल सा रूल है, सी बाय टेन. अगर मैं कहूं एक एक माइक्रोफेरेड के दस कैपेसिटर लगे हैं, दस, बताओ जरा नेट कैपेसिटी कितनी होगी. थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करनी सिखा रहा हूं बेटा मैं भी आपको. एक एक के दस लगे हुए हैं, नेट कैपेसिटी कितनी होगी, 0.1 माइक्रोफेरेड. 0.1 माइक्रोफेरेड. 1/10 बोल सकते हैं, सिंपल 1/10 बोल सकते हैं. अगर सी 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 दस लगे हैं तो सी बाय टेन हो गया, अगर 1/1/1/10 लगे हैं तो 1/10 हो गया. ये बात समझ में आ गई बेटा. दूसरी बात करो,
अगर दो दो माइक्रोफेरेड के तीन कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, फटाफट बताओ बिना कैलकुलेशन करे कितना आंसर आएगा? बिना 0.2 माइक्रोफेरेड। ना ना अरे यार फिर वही पॉइंट्स में क्यों बता रहे हो, लॉजिक्स 2/3 नहीं बोल सकते? यस सर बोल। तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स आंसर नहीं बोलो, वो बाद में कैलकुलेट कर लेना 0. something क्या आएगा। आपको मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, मैं ये सिखा रहा हूं कि अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में लगे हो, क्योंकि अभी तो बेटा दिन अच्छे चल रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल्स कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स में अगर आप छोटे छोटे कॉम्बिनेशन भी टाइम लगाएंगे ना, 1/c 1/c, तो आप समय वेस्ट करते चले जाएंगे, समझ रहे हो? तो कुछ फास्ट कैलकुलेशन आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अगर मेरे पास, इनको नोट करते रहना, अगर मेरे पास दो कैपेसिटर दो दो माइक्रोफेरेड के हैं तो कितनी कैपेसिटी आएगी? 1 माइक्रोफेरेड। फिर 1 बोल रहे हो, अरे 2/2 बोलो, 2/2, 1 नहीं बोलो बेटा। अगर मेरे पास तीन तीन माइक्रोफेरेड के चार कैपेसिटर हैं, तीन तीन माइक्रोफेरेड के चार कैपेसिटर, कितनी कैपेसिटी आएगी? 3/4। अगर सी सी माइक्रोफेरेड के तीन कैपेसिटर हैं, कितनी कैपेसिटी आएगी? 3/3। अगर सी सी माइक्रोफेरेड के एन कैपेसिटर हैं तो सी बाय एन। ये बात समझ में आ गई? आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए बात कर रहा हूं बेटा मैं। इससे आप फटाफट कैलकुलेशन करेंगे आगे, अगर आप ये दिमाग में बैठा लेंगे बेटा तो फटाफट कैलकुलेशन कर लेंगे। सी बाय एन, ये याद रखिए, सी बाय एन होती है बेटा। अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर लगे हैं सीरीज में, एन कैपेसिटर लगे हैं सीरीज में, एन कैपेसिटर लगे हैं सी 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 आइडेंटिकल, तो नेट कैपेसिटी होगी सी बाय एन। ठीक है जी, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। अगर पैरेलल में लगे हो बेटा, अगर पैरेलल में लगे हो तो फिर तो कोई रोना ही नहीं है, पैरेलल में तो सी इज इक्वल टू C1+C2+C3 होता है, पैरेलल में तो एन इंटू सी हो जाएगा। सी सी कैपेसिटर के एन कैपेसिटर लगे हैं, कितना हो जाएगा बेटा? एन सी हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई, एन इंटू सी। अगर एक एक माइक्रोफेरेड के 10 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं तो टोटल कितना आ जाएगा? 10 माइक्रोफेरेड आ जाएगा, 1 × 10। और पैरेलल में लगे हो तो 1/10। ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले तो ये बताओ बेटा। यस सर। अगर अलग, हाँ ठीक है, वंशिका आ रहा है बेटा समझ में? पूजा, वंशिका? यस सर। आ रहा है ना? हाँ बोलते रहो बेटा, बोलते रहा करो। चलिए अब इसका टेस्ट आने वाला है बेटा, याद रखना सभी बच्चे। हाँ बेटा पूजा, टेस्ट आने वाला है पूजा, किसका? चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों का एक साथ करेंगे बेटा टेस्ट। चैप्टर नंबर 1 30% देंगे, चैप्टर नंबर 2 70% रखेंगे, वरना आप फर्स्ट को नहीं पढ़ोगे। फिर दोनों को एक साथ पढ़ना है बेटा। टेस्ट कब होगा? इस संडे के अगले संडे, इस संडे से अगले संडे टेस्ट होगा बेटा। ठीक है, टेस्ट होगा, पक्का होगा 100%। इस संडे तो क्लास करेंगे हम लोग। चलिए सक्षम, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ यस सर तो तुम बोल रहे हो, लेकिन नंबर भी ले आना इस बार, कभी बायो में ही नंबर लाते रहो सारे। नहीं नहीं सर, फिजिक्स में भी लाएंगे, बिल्कुल फिजिक्स में भी आएंगे। हाँ तैयारी शुरू कर दो बेटा अभी से ही, है ना? चलिए अब देखो, अब मैं सेकंड लेवल, सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूँ बेटा। सेकंड स्टेप, अगर सीरीज में आपके पास दो कैपेसिटर हैं C1 C2, अलग अलग हैं, आइडेंटिकल की बात नहीं कर रहे अब, अलग अलग हैं, नेट कैपेसिटी कितनी होगी? नॉर्मली हमें सिखाया जाता है
नेट कैपेसिटी होगी वन अपॉन सी वन, वेरी गुड, वन अपॉन सी वन, वन अपॉन सी टू. और आप फॉर्मूला याद रखेंगे सी एस इज इक्वल टू सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू. ये दो के लिए याद रखना है बेटा, तीन वाला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तीन हो तो फिर इसी फॉर्मूले से करना, वो ज्यादा आसान होगा. तीन हो तो एक एक और जोड़ देना, एलसीएम ले लेना, उल्टा कर देना, आंसर आ जाएगा. लेकिन दो हो दो दो करके सी वन सी टू सी वन प्लस सी टू. अगर मैं आपसे कहूं फॉर एग्जाम्पल एक दो माइक्रोफेरेड है, एक तीन माइक्रोफेरेड है, बताओ नेट कैपेसिटी दोनों के बीच में कितनी होगी? नेट कैपेसिटी आ जाएगी बेटा 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, 6 अपॉन 5 माइक्रोफेरेड. फटाफट से आपका आंसर आ गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. ठीक है, पैरेलल में तो आप बिल्कुल चैंपियन है, पैरेलल में तो कोई बात ही नहीं है. अगर 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड है C1 प्लस C2, 3 प्लस 2 5 माइक्रोफेरेड, तो पैरेलल में तो कोई इशू ही नहीं है बेटा. सारा इशू जो है वो सीरीज का आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. ठीक है, चलिए कॉपी कर लो बेटा इसको जल्दी से और फिर मैं आगे बढ़ता हूं फिर क्वेश्चंस की तरफ. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. 6 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड, बताओ जरा फटाफट कितना आंसर आएगा बेटा? 6 और 3 18 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 18 अपॉन 9 2 माइक्रो. हाँ सीरीज में 2 माइक्रोफेरेड. 3 और 6 लगाया टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई? 2. और भी ज्यादा कम हो गई कैपेसिटी, और भी ज्यादा कम हो गई बेटा यहां पर. ठीक है, तो पैरेलल में कैपेसिटी बढ़ती है, सीरीज में कैपेसिटी घट जाती है. ठीक है, सीरीज में घट जाती है. चलिए अब क्वेश्चन शुरू करेंगे बेटा. एक क्वेश्चन देखिए, थ्री माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, बताइए ए और बी के बीच में कितनी कैपेसिटी होगी? व्हाट इज द नेट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी? परम 4 माइक्रोफेरेड. देखो बेटा 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 16 by 5 माइक्रोफेरेड. सबसे पहले ये दोनों करेंगे बेटा, इन दोनों का कितना आया जरा बताओ? 6 by 5. ये तो फटाफट ही आ जाएगा 6 by 5 माइक्रोफेरेड. और ये आ गया सीरीज में 2 माइक्रोफेरेड 6 by 5 प्लस 2, एलसीएम आ जाएगा 5, 6 प्लस 10 16 by 5 आ रहा है जी मेरा तो नेट. गलत आ रहा है बताइए जरा? 16 by 5 आ रहा है बेटा? सही है. तो आप लोग क्या बोल रहे हैं सर? हमारे भी पहले तो पहले देखो कभी भी एक साथ नहीं करते, पूरे ग्रुप को एक साथ नहीं करते, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे उसे और तोड़कर एक कैपेसिटर बनाओ, दो का एक बनाओ, फिर दो का एक बनाओ, फिर दो का एक बनाओ, ऐसे धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा कॉम्बिनेशन. चलिए आगे चलते हैं, मैं और क्वेश्चन देता हूं बेटा आपको. धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे. बताइए बेटा 5 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटी बताइए. थर्टीन बाय थर्टीन माइक्रोफेरेड. ये क्या हो सर? 15 by 4. हाँ देखते हैं बेटा, अभी लिख लो इसको. 30 by 30
30 by 30 पहले ये दोनों पैरेलल दिखाई दे रहे हैं बेटा, पहले ये दोनों पैरेलल कितना हो जाएगा इन दोनों का 10 और ये हो गया बेटा आपका 3, 10 और 3, 10 into 3 upon 10 plus 3, 13, 30 upon 13 micro, 13 upon 30 upon 13 microfarad. जिसको कोई डाउट हो तो पूछेंगे बेटा, डाउट हो तो पूछेंगे, कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे चलते हैं बेटा इसमें. नेक्स्ट बात करेंगे बेटा अब बताइए ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटी कितनी होगी. आराम से कॉपी करिए इसे और फिर कोशिश करो बेटा सबसे पहले आंसर आए ना आए लेकिन सही आना चाहिए. क्या ओ मैं तो उड़ भी सकता हूँ. क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, मूवी हो रहा है. मैंने बड़ा कर दिया सर. 41 upon 24 41 upon 24 कौन बोल रहा है, ये नाम बोलो. चिरंजीव चलो लिख लिया बेटा मैंने, इस बार पलटेंगे नहीं, बाद में फिर सब कह देते हैं, मैंने तो यही बोला था. और बोलो बेटा इधर चला जाओ, कोई नहीं छोड़ नहीं बचा तो बैठ जा छोड़ दस मिनट के बाद. वलीना बताओ, नैना, झलक, भाव्या, सर 55 upon 2 55 upon 2 ये साल कौन सा बोल रहे हैं सर. 55 upon 2 ये कौन बोल रहे हैं, ये नाम तो बता दो अपना. मधुर सर. मधुर देखना 10 माइक्रो फैरड लिखा ना, ए के साथ जो है ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है. हाँ सर वही. नहीं नहीं ये 6 है, ये 3 है, 6 3. क्या ठीक है आंसर बताओ, सही पता चलेगा. ठीक है अपने आप ही कह रहे हो अपने आंसर. ठीक है शुभम बोलो बेटा. 16 by 2 नाम बोलो बेटा कौन है. 16 नहीं 15 16 ही तो लिखा है. 15 by 2 झलक. लो जी तीन आंसर तो आ गए, 3 बच्चे 3 आंसर.
कोई है भाई इन तीनों का कोई समर्थन कर रहा है कोई? 43/52 लो जी, ये कौन है जी? मानसी, मिस मानसी। सर हाँ बोलो, हाँ बोलो। 30/21 अरे बहुत सारे आंसर हो गए, मैं बता देता हूँ सर, मैं बता देता हूँ बेटा, है ना। हाँ सर, 9/4 आ रहा है सर, 9/4 आ रहा है सर, मैं आंसर चेंज कर रहा हूँ सर, चिरंजीव। 9/4, चलो 9/4, भगवान करे 9/4 आ जाए। सबसे पहले तो ये देखो बेटा, ये दोनों सीरीज में दिखाई दे रहे हैं? यस सर। यस और नो? ऐसे ही ये दोनों सीरीज में दिखाई दे रहे हैं? इन दोनों का कंबाइन करके कितना आ गया सर? 1 आ गया, 2/2 आ गया, मतलब 1, और इन दोनों का कंबाइन करके कितना आया सर? 2। वेरी गुड। अब ज्यादा मत सोचो, इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगा दो 1, और इनकी जगह एक लगा दो 2, और यहां आएगा 4। बस अब यहां हम आ गए, इस फिगर से हमारी ये फिगर बन गई। अब हमें ये दोनों कैपेसिटर कैसे दिखाई दे रहे हैं बेटा? पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? यस सर। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 3 माइक्रोफैरेड। 3 हो गई बेटा, इन दोनों की मिलाकर 3 हो गई, 4 और 2। अब तीनों सीरीज में हो गए, 1/CS, 1/2, 1/3, 1/4। LCM आ जाएगा 12, 6+4+3, 13/12 CS। तो CS आ जाएगा 12/13 माइक्रोफेरेड। बताइए बेटा, इसमें प्रोसेस में कोई गलती किसी को, कहीं कोई समझ में ना आ रही हो बात? डाकू का लिया लग रहा है, डाकू का लिया।